Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Chaska with MH. MH means Minahil Hafiz. So in today's video, I'm going to show you how to make a very delicious recipe called chicken rotisserie. ये recipe जब आप घर बनाएंगे और इन कुछ simple steps को follow करेंगे, so you will not need to go to any restaurant, you can easily make this at home. So make sure you keep on watching the video until the end. So if you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so you can be the first one to watch my videos. Are you ready? Let's go! तो सबसे पहले हम मैरिनेशन करते हैं चिकन की. तो यहाँ पे मैंने होल चिकन ले लिया है और सबसे पहले जो है वो हम एक टिश्यू से चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑफ योगर्ट ले लिया है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि उसमें लम्ब्स ना रहें. तो यहाँ पे मेरे पास मैरिनेशन स्पाइसेस हैं, सो 1 tablespoon ऑफ रेड चिली पाउडर, अबाउट 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट और सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon ऑफ गार्लिक पाउडर, यहाँ पे 1 tablespoon ऑफ तिक्का मसाला, इससे फ्लेवर जो है बहुत इन्हेंस होता है, अबाउट 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon ऑफ वाइट पेपर पाउडर, एंड लास्टली आई हैव इज 1 teaspoon ऑफ जिंजर पाउडर. और अब जो है वो हम अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस और मसालों को मिक्स कर लेंगे. तो जो हमने मसाले मिक्स किए थे, अब हम सारे जो है वो योगर्ट में ऐड कर देंगे. और स्पाइसेस डालने के बाद जो है वो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि स्पाइसेस के लम्ब्स ख़त्म हो जाएं और ये किस तरह का थिक सा मिक्सचर तैयार हो जाए आपका. तो जैसे आपकी मैरिनेशन तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो है वो मैं यहाँ पे अबाउट 1.5 tablespoons ऑफ विनेगर ऐड कर रही हूँ और हम इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लाइम जूस. तो यहाँ पे हम लाइम का जूस डाल देते हैं मैरिनेशन के अंदर. एंड लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड इज अबाउट 1 teaspoon ऑफ वेजिटेबल ऑयल. And we're going to mix this one last time. So now let's move on to the chicken. तो यहाँ पर जो है वो मैं चिकन के अंदर फोक के साथ इसको इस तरह से पोक कर लूँगी, क्योंकि यूजली जो है वो मैं चिकन में, आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में कि मैं चिकन में डीप कट्स लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये ओवन के अंदर जो है वो रोटिसरी मोड पर चलेगा सो द कट्स कैन ईजिली ब्रेक. तो हम इसकी कट्स की बजाय यहाँ पर फोक से इस तरह से निशान लगाएंगे सो दैट द मैरिनेशन कैन गो ऑल. इसको जो है वो आप मिनिमम 3 to 4 hours या मैक्सिमम ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कर सकते हैं. तो नाउ लेट मी शो यू द थिंग्स यू विल नीड फॉर द एक्चुअल चिकन कुकिंग. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है जिसको हमने अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया. मेक श्योर कि आप एक एक कॉर्नर को कवर करें, इससे जो है वो आपकी ट्रे ख़राब नहीं होगी और चिकन का जो पानी है वो भी इसमें होल्ड होता रहेगा. और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है जो चिकन की एक्चुअल रोटिसरी होती है जो ओवन्स के साथ आती है, सो यू विल नीड वन ऑफ दैट. तो अब जो है वो हम चिकन को अच्छी तरह से इन रोटिसरी रॉड्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे. एंड यू कैन वॉच दीज स्टेप्स एंड यू कैन जस्ट सी हाउ यू कैन डू दिस, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. सो यहाँ पे जो है वो चिकन हमारा बेकिंग के लिए तैयार है. तो अब जो है वो हम इसको ओवन में डालते हैं. तो यहाँ पे आप देख लें कि ओवन को हमने अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो इसकी जो कुकिंग, इसका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो आपने रखना है अबाउट 200 degrees एंड इसको हमने रोटिसरी मोड पे बोथ अप एंड डाउन कुकिंग ऑन करनी है, मोड ऑन करना है. एंड वी आर गोइंग टू कुक दिस फॉर अबाउट 1.5 hours.
or until the chicken is fully cooked. This can vary upon your oven. तो सबसे पहले जो है वो हम ओवन के अंदर अपनी ट्रे रख देते हैं जिसको हमने अच्छी तरह से लाइन किया है, और उसके बाद जो है वो हम चिकन को रोटिसरी होल्डर्स के अंदर डाल देते हैं. एंड नाउ यू कैन जस्ट लेट दिस टर्न ऑन इट्स ओन. और जो है वो फिर हम अबाउट 1.5 आवर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पक के क्या लगता है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर वेरी डिलीशियस चिकन रोटिसरी इज़ रेडी. Now once you're done making this, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं. You can enjoy this as it is, or you could serve this with rice या फिर रोटी, जो आपका दिल चाहे. So I hope you enjoyed this video and I hope you will try this recipe. And if you do, then as always, don't forget to give me your feedback. And anyways, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you did, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.